गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों को एक दो बातें बतानी है, ठीक है? तो मुझे काफी जो है मैसेजेस भी आ रहे थे एंड उसके बाद इंस्टाग्राम पे कॉल्स भी आना शुरू हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये, मैं कॉल किसी का भी रिसीव नहीं करती हूँ। दूसरी चीज ये कि मतलब अपडेट लेने के लिए ही कॉल कर रहे थे आप लोग डेफिनेटली, कि मुनव्वर की एल्बम का क्या हुआ, आपने उसको जो है डिलीट क्यों कर दिया या प्राइवेट क्यों कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पर। शायद से कंटेंट आईडी जो है ले चुके हैं मुनव्वर अपने चैनल का, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी, मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? एंड सैड न्यूज ये है कि फ्यूचर में अगर मैं मुनव्वर के वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देती भी हूँ तो तब भी जो है मैं वो उसको अपडेट कर ही नहीं सकती, मतलब अपलोड कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि विजिबल होगा ही नहीं, विजिबिलिटी ही जो है वो ब्लॉक करके रखी हुई है, ठीक है? अब ये मेरे साथ है, सेकंड टाइम हो गया है। दूसरी चीज, आज का जो वीडियो है वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी मम्मी के आई का ऑपरेशन था। तो जिस दिन ये वीडियो आया उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी और हॉस्पिटल से आई हुई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। एंड तीसरी चीज ये कि मेरे चैनल पे वापस से प्रॉब्लम आ चुकी है, तो लेट्स सी कि कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है। तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करना। मैं अभी तक उस बारे में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं वो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को रीजन बता ही दूंगी कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है? एंड चलते हैं आज की वीडियो के साइड पे। तो भाई, राउंड टू हेल आए हैं थगेश के शो पे, तो हम लोग कैसे नहीं देखेंगे। और आप लोग मुझे पता है रिक्वेस्ट करोगे, तो उससे पहले ही मैं आ चुकी हूँ। इवन पता है मेरे पास तीन चार दिन से, तो नहीं, वन वीक से इतना भी टाइम नहीं कि मैं जाकर अपने चैनल पे विजिट कर सकूं कि क्या व्यूज चल रहे हैं, कौन से रैंक पे मेरा वीडियो जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे वाली चीज है। और हाँ, अब मेरे सेकंड चैनल में मैं बीच में थोड़ी सी उसके अंदर डिले हो गई थी क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर पे बहुत सारे काम चल रहे थे। तो सेकंड चैनल पे मैंने मिनी ब्लॉग्स डालना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोगों को मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहीं कहीं पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो हाँ जी, चलते हैं हम लोग आज के वीडियो के साइड पे। लेकिन उससे पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। करना क्या होता है, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। बस कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगी, ठीक है? बुरा कोई मत मानना। एंड आप लोगों मेरे अपडेट्स की, अगर मैं इवन मेरे वीडियोस लेट क्यों हो गई ये भी आप लोगों मेरे सेकंड चैनल पर पता लगेगा, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हाँ जी, ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो ऑलरेडी लंबा है, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे वो डर गया मेरा चेहरा इतना साउंड सुन के, थगेश शो सीजन वन एपिसोड 6। वाओ गाइस, 6 एपिसोड हो गए, मेरे को अभी तक नहीं समझ रहा कि वो 30 सेकंड में जो चल के आता उसमें क्या नया था। Okay, 30 सेकंड वॉक करके कंटेंट बनाना हमारी आदत नहीं है। अच्छा। एंड आई नो पिछला एपिसोड बहुत लेट आया था, लेकिन समझा करो गाइस, आईपीएल चल रहा था एंड मैं नहीं चाहता कि आईपीएल के बीच में वीडियो डाल के मैं आईपीएल की रीच खराब कर दूं। जस्ट किडिंग गाइस, जोक से मैं किसी भी मायने में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा शो आईपीएल से बेटर है, नहीं, वहां पर बेटर स्क्रिप्टिंग होती है। एंड स्क्रिप्टिंग की बात चल ही रही है तो बात करते हैं आज के हमारे आने वाले गेस्ट की। yes. इन भाइयों को ना फनी होने के लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है। ये लोग ABCD भी पढ़ देना, फनी हो जाती है। yes. लोग शॉर्ट्स एंड रील्स भी स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन इनकी वीडियो के नीचे पता है क्या कमेंट्स होते हैं? क्या यार, बस 1 घंटे की वीडियो। जिनसे खुद बॉलीवुड कोलैब मांगता है, जिनकी हर अपलोड के पहले नेट रिचार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिनका हर अपलोड यूट्यूब सर्वर की परीक्षा लेता है। गाइस, प्लीज वेलकम ऑफिशियली द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट ऑन द थगेश शो, ज़ैन वसीम नाज़िम, AKA राउंड टू है। यो, Thank you.
देखा नहीं है कि मुझे रिएक्शन देना था यार क्या ही बोलना सीरियसली वसीम भी ना ये वो नहीं है ये बेइज्जती करवा रहा है वो नहीं है ये आजा बेटे इसका जेल नहीं होती है मुझे ये फैमिली शो है Oh my God! खुद का रोस्ट खुद ही करवा लिया जबरदस्त अगर ये ऑन द स्पॉट लिया गया है तो बहुत ही ऑसम है जबरदस्त भाई लोग ऊपर बैठ सकते हो ऊपर भी बैठ सकते हैं ये हमारे लिए आपके लिए ये स्पेशल स्टार्टिंग में ही जो है ना मुझे गाल दुखने लग गए पूरे शो में क्या होगा क्या पता I'm sorry पता नहीं मुझे कितनी बार आज मैं वीडियो पॉज करूंगी छोटे-मोटे शो अच्छा छोटा मोटा शो बड़े बड़े शो में बैठते हैं लोग छोटे मोटे बड़े शो में छोटे मोटे शो में कौन सा शो बड़ा है तुम्हें बताने बाद चलो आपने शुरुआत कर ही दी है तो मैं भी रोस्ट की शुरुआत करता हूँ ऑनेस्टली राउंड 12 जैसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट वो तो सबको पता है आगे बताओ देखो एक सवाल था अच्छा कंटेंट कैसे बनाए इसके ऊपर कुछ टिप्स अरे ये दूसरे एपिसोड का क्वेश्चन है इधर क्यों रोस्ट कर रहा है रोस्ट हो रहा है क्या चलो जैन भाई इसलिए आया था मैं यहाँ बेइज्जती के लिए आया हूँ मैं अभी तो एक और है रुको मैं रोस्ट मार तो दूं लेकिन ये है वो नहीं मतलब नहीं आया मुझे यहाँ पर कि एक शो है वैसे शो का नाम क्या है थकेश शो थका हुआ शो लग रहा है लिखना पड़ा है यहाँ पर इन्हें लिखना पड़ा तो बाहर वाले उस पर लिखा हुआ नहीं होता काउंटर पर आपको पता है राउंड टू हेल यानी कंट्रोल पापा कंट्रोल जबरदस्त जबरदस्त सही इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या सिमिलैरिटी है क्या दोनों में लड़कियां नहीं होती हमारे में होती है हम खुद बन जाते हैं बट तुम चारों में जैसे मैं देख रहा हूँ यूनिटी बहुत है चार हम तो तीन है हाँ आप तीन और येलो डॉलर साइन राइट लेकिन ये हमारे कंटेंट को लेके हमारी बेइज्जती कर रहा है हाँ. ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन कपूर एक्टिंग की क्लास लगा रहा है ये तो बहुत बुरी होगी इतना बुरा हो गया वैसे खगेश लोगों के जो चैनल होते हैं वो इंस्पायर करने के लिए होते हैं हाँ. लेकिन तुम्हारा ना एक्सपायर हो जाना चाहिए बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा ऐसे कंटेंट देखेंगे तो खराब ही हो ऐसा लग रहा अपना हो गया रोज ये वाला लिंक ये पंच ये तो पता ही नहीं कहाँ को गया परी वाला तो मैं रखूं आगे सच में नहीं पता कहाँ को गया ऐसे मेरी तरफ वो व्यूज की तरफ है ऐसा लगा ना इसकी वीडियो जाती है दो तीन देखी मैंने रोस्ट से हटके मैं सवाल थोड़े पूछता आपको मेरे को जब कमेंट्स आते हैं ना वी मिस ओल्ड थगेश सही बोलूं ऑनेस्टली इस बार राउंड टू हेल जो है ना थगेश के ऊपर एकदम हैवी हो गया राइट बोलते हैं कि ज्यादा इससे पहले जो शोज देखे मैंने उसके अंदर इतना ज्यादा रोस्ट नहीं किया जितना राउंड टू हेल ने इतना बेस्ट रोस्ट किया है जबरदस्त तो वो दो तीन साल पहले वाले थगेश की बात कर रहे हैं आपको जब कमेंट आ रहे हैं वी मिस ओल्ड R2H वो आपके दो वीडियोस पहले की बात कर रहे होते हैं तो मतलब इतने कम वीडियोस क्यों आते हैं दो साल पहले थगेश नाम का कोई था भी देखो अपनी लंबी वीडियोस होती हैं है ना बहुत लंबी वीडियोस होती है जैसे तुम्हारी होती है 12 मिनट की तो 12 मिनट पे तो हमारा टाइटल आता है वीडियो शुरू होगी अब तो टाइम तो लगेगा है ना आगे गलत भिड़ गए तुम आज सही में गलत भिड़ गए रोस्ट खत्म हो गया हो गया हाथ जोड़ दिए बड़े बड़े स्त्री का सम्मान कर भाई देखो कंटेंट भी हमारा हमारा पंच मारने के लिए जेन्युइनली मेहनत लगती है ना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत क्या प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग का राइटिंग का वगैरह स्क्रिप्टिंग करते हैं हम बैठकर सारे साथ
फिर उसमें भी हमें 15 दिन चले जाते हैं कम से कम 15 से 20 दिन 15 दिन में 5 वीडियो अभी तो स्क्रिप्टिंग चल रही है अभी उसको फिर लोकेशन देखने के लिए 15 दिन चले जाते हैं। मेहनत तो है मतलब इनको देखना पड़ता है इनके वीडियो पहले रिलीज हो रहे हैं या वसीम पहले रिलीज होएगा। वसीम भाई आप बड़े एक्साइटेड, आप बताओ हाँ, क्या किस्सा था? कौन सा वाला? जब अंदर थे आप जेल में। बहुत बढ़िया माहौल था कि इस लफ्जों में बयां है कि दुश्मन भी ना जाए, इतना बढ़िया था। बट ठगेज जाए एक बार जाके एक्सपीरियंस करो फिर मुझे बताना कैसे एक्सपीरियंस किया। देखो ये एक्सपीरियंस जो ना लोगों को जाके पता चलता है, खुद यहाँ पर बैठ के यहाँ पे ठगे शो लिख कर पता नहीं चलता। ऑनेस्टली बताऊँ मुझे ना बहुत 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 ज्यादा बुरा लगा था जब वसीम को इस तरीके से डाल दिया गया था लॉकअप में। मतलब इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसके ऊपर इतना जो बवाल मचा दिया था। राइट चलो ठीक है, लोगों को मौका चाहिए होता है। बार बार पढ़ना पड़ता है, इसको याद भी नहीं है नाम, बार बार ऐसे आके देख रहे दर्द। अरे भाई कौन है तू? वसीम भाई की कोई बेइज्जती नहीं करेगा सही। हम बहुत इज्जत करते हैं वसीम भाई की, हमारे चक्कर में 15 दिन रह गए थे और अभी 30 दिन और रहेंगे 100 के बाद। सर तुम्हारे चक्कर में मैं भी रहूंगा अंदर। बस हो गया बेटे हो गया। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको तो पता ही, और पिछले एपिसोड में श्लोक भाई आए थे हमारे। आई एम सो सॉरी, मैं ना जो भी प्रमोशन होगा उसको मैं स्किप कर दूंगी ठीक है। आप जानते होंगे कि बॉलीवुड से नाम निकलते हैं, किंग खान एक था, टाइगर से टाइगर, पठान ऐसी नाजिम भाई है ना, हमारी वीडियो से निकलते दल्ला। और कोई बढ़िया निकनेम पड़ा है आप लोगों? हाँ सही है वसीम। बाकी में है यार, मैं पर्सनली मैंने कोई वो नहीं निकाली है, वीडियो से है, वीडियो में है वसीम। अभी भी भाई की स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे थे। बट मीम्स तो काफी बने थे ना उस पे आपके? हाँ मीम्स तो अभी तुमने भी बनाए होंगे कुछ थोड़े मीम्स, तो देखना है आपको। चलो बढ़ते हैं। What if you were a meme? The secret of the fuck is kadar ka liye. In the case with Rajesh. Yes sir. Can tell us our induction motor stopped. आप लेट हो गए, नहीं ले सकते। सलमान खान ये बढ़ गया डिस्कस करने, 1.5 करोड़ पैकेज थे। ये लेटर क्रिएटिव अंड मैं ना नींबू निचोड़ दूंगा। मेरी क्यों मारी? आप ग्लास फेंक के मारेंगी मेरा जेल सर, का वो दिखाया मैं क्यों मारी? मेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाऊंगा। ये बढ़िया थे, काफी अच्छे मिल से। थैंक यू भाई। नेक्स्ट मीम। ओ या आवर इंडक्शन मोटर स्टार्ट। ओ या अभी भी है कुछ। कहाँ जाएंगे ये सारे मार्गों पे? ये हो
यूनिवर्सल घुमा दिया। एक बार करके दिखा दो भाई। नेक्स्ट थिंग लेटर ओके। How are you? I am under the water. बढ़िया जबरदस्त खुद की एक पूरी ना है लेग पीस दो मांग रिया चौकीदार लगा है चौकीदार बैठने वाला। मुन्ना तू डॉक्टर है ना? डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 4 बेहोश हो गया। अब्बा तूने फैलाई है कि मैं 10वीं में 10 बार फैलूं। वैसा मैं बाहर ना हूँ ना तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा। इतना बोल रही नहीं हंसूं उतना ही हंसे जा रही हूँ। कौन सा बढ़िया लगा सबसे? सारे अच्छे थे। मुझे आता वाला बढ़िया लगा वो फ्लश में जो है फ्लश मोरी मैया। नाजिम भाई जंगल वाला वीडियो पे ये ज़ॉम्बी आप जो बने थे एडम वो पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है राउंड टू हेल का दोनों वीडियोस का। तो उसके पीछे क्या? किसके पीछे? एडम के कैरेक्टर के पीछे। एडम के पीछे वो शूट पे कैसा था सब स्मूथ तक? वो ज़ॉम्बी लेके कैसे आया वो ज़ॉम्बी जो पब्लिक है? क्या ऑडिशन लिया था या क्या किया था? नहीं मारे थे कई सारे। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अच्छा इस पे ज़ॉम्बी का एक किस्सा याद आया। हम लोग ज़ॉम्बी का शूट करके तीसरा डे था शायद है ना और घर आ रहे थे वापस कार में। तो उस कार में हमारे साथ 5-6 ज़ॉम्बीज जो थे ना वो भी थे पीछे बैठे थे मेकअप किए हुए। हाँ मेकअप बिल्कुल प्रॉपर मेकअप और मैं जैन बैठे हुए थे। वसीम भाई अलग कार में थे शायद। अब साइड से कार आई पुलिस वालों की उन्होंने आगे लगाई आगे लगा कर उन्होंने रोक लिया। अंदर आए उन्होंने चेक करा। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा कि इनको क्या बताएं कौन है। तो जैन कह रहा क्या बताएं मैंने इन्हें वॉकिंग डेड के 7 सीजन दिखाए तो भी समझ में नहीं आ रहा। वो फिर निकला ये कि उनको ये लगा होली का टाइम था। हाँ तो ये होली होली खेल का होली खेल इन मुंह में कौन सी होली गोली है या होली नहीं इनको गोली मारी है। तो ऐसे तो फिर अभी वाले वीडियो में भी हुआ रहेगा जो लेटेस्ट आपने बनाया मैन ऑन मिशन वाला। हाँ उसमें सब वो बंदूकें लेके घूम रहे हो कुछ AK-47 थी वो सारी। हाँ ना इशू तो बहुत आए हैं अभी भी जेल से आने के बाद भी एक हो गया था जो मैंने फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे तो पुलिस वाले आ गए थे कि भाई क्यों शॉप कर रहे हो ये चीजें। हाँ। मैं कह रहा डमी है सर ये तो शूट का फोटो है। तो क्रॉस चेक किया था क्रॉस चेक स्टेशन में कि वो वाली गन लाकर दिखाओ जो तुमने यूज की है। उनको दिखाई फिर उन्हें विश्वास हुआ फिर जाके मैटर कटा। वसीम भाई ना अलग टाइमलाइन पे चलते पता है। एक टाइमलाइन होती है बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। वसीम भाई चलते बिफोर जेल स्टोरी आफ्टर जेल स्टोरी। अभी जो न्यू वीडियो आई है मैन ऑन मिशन उसको बहुत सारा प्यार मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मस्त बनाई है डांस बहुत अच्छा लगा। कहां मिला उसको तो प्यार ही मिला। एक मिनट गाइस कितने मिलियन व्यूज है उस पे?
26 मिलियन व्यूज को ये लोग बोल रहे रिस्पांस नहीं मिला है, इसलिए बिल्कुल आगे के 26 पे फ्लो हो रही है। देख रहे हो भाई, लोगों की हिट वीडियो 26 मिलियन नहीं जाती, इनकी फ्लॉप वीडियो 26 मिलियन गई है। इसको बोलना चाहूंगा मैं तो, भूल जाओ यार, भूल जाओ, बुरा कंटेंट था यार, एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। 5% ऑडियंस को हमने ट्राई करा था अपना वेज जैसे तुम कर रहे हो। इसका सीक्वल आएगा, डर को डिलीट हो जाएगा, खुद ये होने वाला है। सलमान भाई का बहुत रेफरेंस है, पसंद है जनरली या नहीं? भाईजान पसंद। तो ये जो डायलॉग्स आपने डाले रेस थ्री का सलमान खान, इसके पीछे की कहानी बताएं? आज तक पता नहीं है, हम लोग जो बोल देते हैं ना रेस थ्री का, वो मूवी देख कर आए थे ना, मूवी देख कर आए थे। अगले दिन हमारा शूट था, तो शूट चल रहा था, अब शूट चलते चलते डायलॉग तो खत्म हो गए, अब कट करना है। भाईजान जो बुर्ज खलीफा से कूदते हैं ना, जहाँ लड़ाई चल रही होती है साथ, वहीं पे लैंड करते हैं, तो कट की जगह ये हुआ था रेस थ्री का सलमान खान। ट्रांजिशन मिल गया। एक ही कैरेक्टर आप बहुत प्ले करते हो, स्पेशली आईपीएल वाला जो आपका ईपीएल है आपने बनाया, चार बार वसीम आ रहा है, चार बार जैन आ रहा है, चार बार नसीम आ रहा है, तो वो दिक्कत नहीं होती शूट करने में? भाई दिमाग खराब नहीं होता कि यहाँ पे एक मिस हो गया, वहां पे दो मिस हो गया? एक शॉट था ना उसके अंदर, वो तुमने बुलाया था मुझे एडिटिंग पे, जो दिखा रहा था बॉलिंग डाली बॉलर ने वो मैं हूँ, अरे बैटिंग करी वो मैंने करी, हाँ। कैच जिस फील्डर ने लिया वो मैं हूँ, हाँ। और जो आउट दे रहा मतलब पूरा सीक्वेंस जो बना था उसे जब जोड़ा, उसको एडिट किया, तो उसमें सब जगह यही था, एम्पायर यही था, सब कुछ यही था। वसीम भाई धोनी बने चलो इसी बहाने तुम्हारे हंसी का कारण तो बन गया। ये आपने जो वीडियो बनाई थी एज ऑफ वाटर, रेगिस्तान में टोटल शूट हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? जैसलमेर। जैसलमेर हम जहाँ पर थे वो पूरा ही रेगिस्तान था, एकदम बीच में गए थे। तो हम ना गाड़ी से जाते थे, अब वो 4x4 नहीं थी जिसमें हम एक दिन जा रहे थे, तो गाड़ी फंस गई थी हमारी, उसका टायर फंस गया था, एकदम से जो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो गए, तो ये सबसे ज्यादा चीख रहे थे। ड्राइवर था तो उसने जो है गाड़ी फंसा दी है ना। अच्छा, अब जो फंसा दी तो वसीम भाई का मूड खराब होता है जल्दी इजीली। अच्छा सॉरी, तो वसीम भाई उससे इधर से जाते हैं, तो शाम में वसीम भाई को चाबी दी, कह रहे पहले सीखूंगा। वहां पर कह रहे थे सच्ची है, हाँ पहले सीखूंगा कुछ दिन दे, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। मुझे वो ही है कि अगर आप चला रहे हो तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ, रोज आप उसी रोड से निकल रहे हो, उसी रोड से आ रहे हो, उसके बावजूद भी गलतियां कर रहे हो, ये थोड़ा सारा इस पर थोड़ा सारा वो रहता है। बट आप लोग की बहुत फैंस है ऑफकोर्स, एंड फैन स्टोरीज तो होगी कुछ वियर्ड या? बहुत सारी आपकी। पहले तो हम कार में आ रहे थे, पीछे बैठे थे हम, हाँ। तो हमें ना भीड़ ने घेर लिया था, पूरा क्राउड हो गया था, तो एक फैन बहुत जो जिद्दी होता, तो वो ऐसे विंडो पर आ गया और मैं विंडो की साइड सर फट रहा था, है ना, हाँ। होता ना एक भीड़ में से निकल रहा है किसी काम से, तो वो आया और वो कह रहा गाड़ी चल रही है हल्के हल्के, ड्राइवर भी खून खोला पड़ा उसका कि भीड़ हट नहीं रही, वो शीशे पर आके कह रहा जैन भाई एक गाली बक दो, एक गाली बक दो, तो मैंने शीशा खोला पे हट जा। पागल हो गया, पागल अबे, कह रहे सीरियसली कह रहा हूँ कि हट जा, और ऐसे भी दिया तो एक दोस्त को, उसका दोस्त भी कह रहा हाँ मुझे मुझे दे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो कि सबको बहुत पसंद आता है, जहाँ पे आपको अपनी थग लाइफ स्टोरीज बतानी है। ये बात है जब हम अर्निंग शुरू कर चुके थे यूट्यूब पर, हाँ। तो मेरा एक दोस्त था, उसका भी एक भाई है बड़ा भाई, तो मैं उसके घर जाता रहता था, उसे पता चला होगा उसके भाई को कि वीडियोस बना रहे हैं हम ऐसे ही कुछ, तो थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा होता है ना कि दिखाना छोटा किसी को, तो वो एक दिन में पहुंचा तो उससे बोलता अभी क्या कर रहे हो ये तुम, इससे क्या मिलेगा, तो कुछ पैसे वैसे कमाओ। तो बोला यार मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, कह रहा तो मुझे डॉलर से फर्क पड़ता, कह रहा मतलब मुझे डॉलर के भाव से फर्क पड़ता बढ़ने से और घटने से। अच्छा मतलब इसको समझा मैंने, वो तो तुम तब समझोगे ना कमाओगे डॉलर। नाजिम भाई ऐसी है ठग लाइफ तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सीरियस है, कोई नहीं चलो, मतलब सेम जैसे जैन बोल रहा है स्टार्टिंग के डेज में
जो होते हैं कुछ लोग कि क्या कर रहा है ये कर रहा है ना, और काफी मतलब क्रिटिसाइज करते हुए एक बंदा है ना, नाम नहीं ले रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब पकड़ के घेर घेर के वो क्रिटिसाइज करता था कि इसमें अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, इससे अच्छा तुम मजदूरी करो, कुछ करो, है ना। अब कितने 3-4 साल हो गए ना, 5 साल हो गए शायद, उसका भाई काम करता है अपने साथ। वक्त से जवाब है, मैंने तो वक्त से जवाब है, क्या बात है, क्या बात बोली है, वक्त से जवाब, अब बोलना मत नहीं है। अगर सब बता रहे तुमने भी बताओ। बिल्कुल। तो मेरा कुछ ऐसा है कि रिलेशन में एक होता है किसी के घर पे बहुत बढ़िया कमाने वाला होता है, एक बढ़िया होता है, तो वो सबको एडवाइस देता है। तो हम जब कुछ नहीं करते थे तो उस घर पर आकर एडवाइस देने का काम था कि भाई कुछ कर लो, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की बात है, बहुत समझाता था। फिर उसके बाद जब हम जैसे आगे आगे बढ़े बढ़े बढ़े, फिर उसके बाद आता उसका फ़ोन कि यार वसीम ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, ऑफिस के बंदे हैं, तो यार तेरे से मिलना चाह रहे हैं और तेरे को बहुत पसंद करते हैं वो लोग। मैं कह रहा अच्छा, तो मैंने भी कहा कि यार अभी काम धंधे में व्यस्त। लाओ चश्मा दे दो मुझे। गाइस वसीम, नाजिम या जैन भाई, आप वोट करो कौन। ए, ये तो नेपोटिज्म चल रहा है। दे दो, गर्मी आ रहा है। गर्मी आ रहा है, ऑफिस में जा रहा है। देखो मैं पर्सनली ऑडियंस की नहीं सुनूंगा, मेरे को तीनों की स्टोरी बढ़िया लगी, तो मैं कंबाइंड अवार्ड दूंगा राउंड टू खेल के नाम से। क्या बात है। बाय द वे मैं बता रहा हूँ, तीनों के नाम की प्लेट हमारे पास है। ओके, देख लो इधर, ठीक है। वाह क्या बात, लो अर्थिंग 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 अर्थिंग। थैंक यू। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जहां पर हम लोग गेम्स खेलेंगे लेवल अप। वेलकम टू लेवल अप गाइस। आज हम लोग खेल रहे हैं हाइड्रो एक्सो। सिंपल गेम है, बचपन में सबने एक्सेन जीरो खेला होगा, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, हमारे पास ग्लासेस है एंड यहाँ पर 20-20 बॉल्स है हर टीम के पास। चलो मेरी एंड वसीम भाई की टीम चलेगा ना। ये कौन सी टीम है? छोटे मियां बड़े मियां, छोटे मियां बड़े मियां, हैशटैग हैशटैग, ठीक है। सेकंड टीम नाजिम भाई एंड जैन भाई की, दोनों टीम में से एक एक बंदे आएंगे अपने पास। पहले कौन जाएगा? अपन। चलो वसीम भाई पहले जा रहे, आप में से पहले कौन आएगा? इसमें बॉल डालनी है। हाँ, तो हर टीम में से एक एक करके बॉल्स फेंकने एंड एक्सेन जीरो खेला है, जैसे मैंने बोला एक सिंपल लाइन में बॉल्स डालने। समझो यहाँ पे आपने दो येलो डाल दी, तो आपको उसे तोड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्लू डालनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल गेम, दो राउंड्स होंगे, एक में आप दोनों खेलोगे, एक में हम दोनों। दोनों राउंड्स में जो भी जीतेगा वो विनर्स के बीच एक फाइनल होगा, ठीक है। ठीक है, जो भी हारेगा हर राउंड में उन्हें डेयर करने पड़ेंगे। डेयर का बाउल है हमारे पास, ठीक है। लेट्स गो। वसीम भाई डालो पहले आप। चलो वसीम भाई, एक आप एक्सपीरियंस है, रुक जा। अरे रे बोलिंग। ओह ये डालनी है दीवार। बहुत बढ़िया खेल। अरे बात ऑफ साइड नहीं, ग्लासेस में मेरे ख्याल से पानी ना रखे जिसके वजह से वो फ्लोट हो रही ऊपर बॉल, राइट। अरे अबे तीन टप्पा चल रही है। वसीम भाई यहाँ के बोल में साथ इसमें। चलो चलो। वसीम भाई इधर 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 गए। वसीम भाई गए बहुत आराम। चलो चलो मैं डाल ली है ना उनकी तो। बस वसीम भाई एक और मैच का चांस दो है ना। ये भी चांस है, ये भी चांस है। कहाँ पे डालता है? और
फेस नहीं बनाना है। ये कौन सा तरीका हुआ? कौन सा तरीका हुआ? आप चूज करो। मुंह नहीं बनना चाहिए वसीम भाई, मुंह नहीं बनने चाहिए। हाँ। एकदम बिल्कुल न्यूट्रल एक्टर तो हो ही आप। अरे नीचे लड्डू थोड़ी है भाई, नीचे लो, दूसरा लो, दूसरा लो। अब यही तो क्या बात यार, ये बन गया, चटकारा ले लियो। नाइस यार, गुड। राउंड टू मार दे बाजी। चलो रेडी। कुछ नहीं मेरी मानी नहीं होगी, कोई तेरे हाथ चुड़ी लगा। अरे आपके तो जीतने भी ना दूंगा। ये इधर इधर बढ़िया। ये ओ मिस 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 पहले पहले ब्लॉक करता हूं। बहुत गलत जगह पे गया। वहां जाएगा ही नहीं, यहाँ डालनी पड़ेगी। चलो चलो ओ वेरी गुड। बाहर गए बस, सही सही ब्लॉक कर दिया। सब लोग हो गए, ड्रॉ हो सकता है। इधर को चली जा, इधर को चली जा। अब तो ड्रॉ, मैं तो जीत गया। ना 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 ना, मैं तो जीत गया। कहां दो एक वन? ओ हां यहां भी कर सकता है। बहुत ही गेम बहुत ही ऊपर पहुंच गया। भाई ये क्या? 10 पुशअप्स व्हाइल मेकिंग योर टीम मेट सिट ऑन योर बैक। माय गॉड, दम तो नहीं निकलेगा? करना तो पड़ेगा, ऐसे बैठा। बहुत बढ़िया, ये काम है। बैठो बस, मैं फुल बैक, ना चीटिंग नहीं। 3 गया, ठगेस गया। 4 5 6 बहुत बढ़िया। वेट, 3 रह रहे अभी। तू शेर है, शेर। चलो चलो चल। अबे बहुत मजा है भाई इसका। चलो माफ करा जा रहे हैं। हो गया भाई, माफ किया। फाइनल राउंड गाइस। एंगल मत लगा, ये भी क्लोज था भाई। चलो चलो ताना चला। यहाँ पे ये वाला ब्लॉक बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये तो उसका जाना ही वाला है। अरे यहाँ पे ना ना फायदा, ट्राई तो कर लूँ। बहुत शानदार, चल चल। गेम बहुत प्यारा चल रहा है। देखो देखो स्वैग वाला, ये बिना देखे, बिना देखे। फीलिंग समझ रहे हैं, टप लेगा। Repeat the tongue twister 10 times. Okay. Repeat the tongue twister 10 times. Tongue twister, laugh. Tongue twister मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं पढ़ पाऊँ तो। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले। पढ़ लो। चच्चा मारे छल्ले। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले। रिपीट 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 रिपीट। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। रिपीट रिपीट रिपीट। चच्चा मारे छल्ले। चच्चा मार के चला जाएगा छल्ले। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे छल्ला, छज्जे पे मारे छल्ले। छल्ले में छल्ला, छल्ले में छल्ला,
मारे चच्चा पे छल्ले हट छल्ले पे छल्ला मारे छज्जे पे छल्ले छल्ले में छल्ला छज्जे पे चच्चा छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले छल्ले में छल्ला छज्जे पे चच्चा छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले छल्ले में छल्ला छल्ले पे चच्चा अरे यार अरे हो गया बहुत सही तो बोल रहा था कम से कम 3 बार तो बोल लेते मजा आ जाता चलो भी विनर सपने में छल्ले छल्ला बहन भाई की BMW लेगा क्या है ये बहन भाई तुझे गलत मिल गया तो बेटा ये तो मेरे काम का था अगली वीडियो में यही यूज करेंगे एक चिट्ठी है निकालो बहुत सुंदर बेटे इच्छाएं बाद में पूरी होंगी पहले झूमे जो पठान पर डांस करो आ जाओ अरे झूमे जो पठान मेरी जान उस पे मर मिट जाए अच्छा आता तो हमसे भी नहीं Thank you so much, guys. Thank you for coming. And भाई लोग की वीडियो MOM जाकर देखें जाकर जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हैंपर्स जाए जाए इनके लिए फाइनली कुछ मिला थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ये स्किन एंड ऐसा और भी अमेजिंग इनको छोटे मोटे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्या कौन रिया छोटा मोटा फिर नेक्स्ट एपिसोड में बाय बाय टेक केयर पीस आउट अगली बार जब EPL करो ना रियल में तो RCB नहीं जीतता उसमें तो जिता दिया करो प्लीज यार मुझे लगता RCB जीत के उसी दिन IPL बंद हो जाए क्योंकि उसकी जीत के लिए ही देख रहे हैं काफी लोग ओके मैंने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया ऑनेस्टली बोलूँ मैंने पहले के भी 5 एपिसोड्स देखे हुए हैं लेकिन सबसे 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 ज़्यादा इन्जॉय और सबसे बेस्ट मुझे अभी तक ये वाला लगा ठीक है एंड क्या मतलब बॉन्डिंग है ठीक है कितना फ्री कितना मतलब ईगो बोलते जैसे घमंड वगैरह वो कुछ भी नहीं इतना सक्सेसफुल है तब भी बहुत सुपर और वो स्टार्टिंग का पार्ट जिसके अंदर हमारी हंसी कंट्रोल नहीं हुई थी क्या बताऊं यार सच में वो अभी भी दुख रहे सही बोलूं तो और मैं कंट्रोल कर रही थी नहीं हंसना लेकिन वो ना ऐसे ही बत्ती सी दिखे जा रही थी ठीक है बहुत ही सुपर क्या रोस्ट किया है थगेश को सीरियसली और यार क्या बोलूं मैं ठीक है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बस मैं अभी वीडियो खत्म करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया है मेरे जैसा ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में थगेश के फैंस के साथ में राउंड टू हेल के फैंस के साथ में यहां तक देख लिया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे बारे में और जानना है तो मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वो भी आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक खुद का ख्याल रखें खुश रहें एंड थैंक यू टाटा बाय बाय